बेफन में जो है माहिर बे मिसालो लाजवाब आज एक ऐसी ही हस्ती रूबरू है आपके रूबरू रूबरू। पंडित बिरजू महाराज जी आपका रूबरू प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं लखनऊ में ही मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है, यहाँ तक कि अम्मा पैसे ना दें तो बब्बन साहब की दुकान जी जी और वहाँ जाके मैं जब कहूँ एक पतंग दे दो तो कहें कि मैं कुछ पैसे लाओ कि नहीं। मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं दिए अम्मा ने, तो क्या करें। तो मैं गत बना के खड़ा हो जाता थे ही धातु ना कर और बस यूँ किया एक पैसे वाली पतंग मिल जाती थी मुझे और मैं आके उड़ाता था तो अम्मा गए तुम्हें पैसा कहाँ मिला। मैंने कहा मैं नाच के लाया हूँ, ऐसे थोड़ी लाया हूँ। ये सब बड़ी खूबसूरत यादें मतलब बचपने की जी, और रही लखनऊ में। और तालीम भी ढेर सारे लोग वहाँ सीखते थे, बहुत सारे लोग उनको देख देख के मैं तालीम खाने में मैं उबता नहीं था, बैठा रहता था। कभी तबले पे हाथ मारूं, कभी आके अम्मा को रसोई में आके कहूँ अम्मा मुझको जो सिखाया है ना उस लड़के को मुझको भी मुझे बताइए। अच्छा तो, आता है। हाँ मुझे आता है। तो मैं जब नाचने लगूँ तो गिर पड़ता था तो अम्मा कहें तो अभी बहुत छोटे हो जरा बड़े हो जाओ तो सीखना। पर तालीम बहुत मैं बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखता था और अम्मा हमारी बहुत खुश होती थी। और बाबू जी को हम कहें हमको याद हो गया तो कहते सुना सुना देखें इतना छिटाक भर का तो तू है। पर जब मैं सुना देता तो बड़े खुश होते बहुत खुश बहुत ही खुश होते थे। और समझिए कि दोनों चाचा और पिताजी अच्छन महाराज लच्छू महाराज शोम महाराज इन तीनों का हमारे हमारे लिए बहुत इतनी मोहब्बत थी हमसे हम क्या बताएं आपको। और हमारी तीन बड़ी बहनें हुई तो हरदम कपड़ा पहनाना काजल लगाना नवाब रामपुर रात को 2 बजे याद कर लेते थे जब हम वहाँ रहते थे जी जी 6 साल की उम्र मेरी 6-7 साल की बस। तो नवाब साहब के यहाँ बुलाने आ जाएं हलकारे आए हैं बुलाने तो अब रात को मुझे 2 बजे उठता था मैं और काजल लगाएं तो मैं रोता था क्योंकि सोना था मुझे तो मैं बहुत ऐसे से करता था लेकिन नवाब साहब हैं सब बाहर खड़े हैं मारेंगे तुम्हें सब तो मैं जाता था। और नवाब साहब को मैं इसलिए बहुत पसंद था उस वक़्त कि मैं अपने मुट्ठी बांध के ऐसे नाचता था कोई हाथ वाथ तो थोड़ी आते थे नाचता तो उनको बड़ा भाग गया तो पता नहीं 15 रुपये या 11 रुपये महीना मेरा बांध दिया उन्होंने तनख्वाह भी बन गई उसी वक्त में। हाँ बड़ा प्यार करते थे। रामायण कृष्ण लीला दालिया हमने लिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी बंगला शान अवध हमारे लखनऊ वाइज अली शाह की कहानी उसमें मैं अपने बाबा का रोल करता था ठाकुर दुर्गा प्रसाद जी का बाकायदा मूछे लगा के और ये सब करके बहुत से मिर्ज़ा गालिब किया मैंने बाकायदा उनकी तमाम गज़लों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया और उसमें हम समय बन मैं बनता था उस वक्त मैं समय का काम करता था वक्त उनकी अलग अलग गज़लों को हमने लिया और उसको भरमाया मैंने। इस तरह से नई नई उड़ानें भरता रहा और यहाँ तक कि आधुनिक भी हमारे दिमाग में बात आई। हमारे जीवन पानी डायरेक्टर थे हमारे कथक केंद्र के उन्होंने कहा भाई कुछ मॉडर्न करो तो फिर मैंने कहा अच्छा मॉडर्न क्या होता है तो एक लाइन इतनी लंबी फिर हमने पढ़ा एक लाइन इतनी लंबी एक इतनी सी छोटी मैंने कहा इसकी धुन ट्यून बनेगी कैसे क्योंकि उसमें कोई हिसाब ही नहीं है। तब भी मैंने अपने को चैलेंज किया और लोहे के ऊपर एक आत्मकथा लिखी तो उसमें मैंने लिख दिया था मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ केवल एक लोहे का टुकड़ा हूँ दूर पास से लोग आते देखते हुए चले जाते। एक दिन एक जालिम के हाथ पड़ गया उसने उठाया भट्टी में तपाया कूटा पीटा एक तेज धार बनाई मैं डर गया मेरा नाम तलवार रखा मैं डर गया मेरा नाम तलवार रखा न जाने मेरी तरह कितनी तलवारें होंगी बस कत्ल कत्ल कत्ल। एक दूसरा लोहे का टुकड़ा जिसको कि एक मानव ने उठाया और अन्य धातु के साथ बनाकर गोल आकार बनाया मंदिर के प्रांगण की शोभा बनकर बजता रहा ढंग 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 तलवारें लड़ने की वजह से कम होती गईं टूटती गईं
पर मंदिर का घंटा वहीं कायम रहा। आखिर में वो आते हैं एक कि हम रक्त से बिल्कुल दूषित हैं, हार चुके, थक चुके, तो घंटा बजता ढंग करके, काश मैं तेरी तरह कभी बन सकता। क्योंकि मैं 9.5 साल का था तब पिताजी की डेथ हो गई थी, बहुत छोटा था मैं। अम्मा ने मुझे सारे बोल सिखाए, फिर चाचा जी लक्ष्मी महाराज, शोभा महाराज, दोनों से मैंने आँख कैसे उठेगी, कैसे उठेगी, कहाँ जाएगी, ये सब सीखा मैंने। इसके अलावा मैंने इन लोगों से तालीम पाई, तो मतलब 3 धाराओं में नहाया हूँ। तो उस वक्त अब ये सारी तालीम जो थी, और पिताजी ने जो लय की तालीम दी थी, लय और बॉडी क्या है उन्होंने समझा दिया था। हर सुबह जो है एक नई चीज़ दिमाग में आती है, और फिर शागिर्दों के अंदर हम उनके बॉडी के अंदर सोचते हैं इनको सजा दो, इनको सजा दो, इनको गहने बनते रहते हैं। हमारी शागिर्द कोई कर रही थी क्लांदा कद्दा सपोज, तो उसने किया क्लान ऊपर किया, क्लांदा कद्दा क्लांदा, तो मैंने उससे कहा देखो सुनो ये क्लान जो है ना उससे नाराज़ तो नहीं होना कि नहीं, तो मैंने कहा क्लान को बुलाओ फिर सामने देखो कि एक क्लान आजा, क्लान नीचे आओ, धा, अब देखो उधर कद्धा। तो मैंने कहा दोस्ती करो, अपने मूवमेंट से दोस्ती करो, तब बात बनेगी। आपको ताज्जुब होगा कि लय समझाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की। एक तिहाई सुनाता हूँ आपको, तिहाई होती 3 बार, तथे ता थे करके इतना थे ही इतना ता है, हमें समझ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा सुनो सब्जी मालूम है, हाँ सब्जी तो आता है, तो मैंने सब्जी पैर से करो सब्जी, तथे ही हो गया ना, सब्जी पूड़ी तथे ही ता थे, वही सब्जी पूड़ी है, और घचौड़ी ता तथे ही ता। मुश्किल से 2 दफ़े में ये तिहाई उनको समझ में आ गई। हम तो समझते नाच शब्द जो है वो एक जीवन है, एक लाइफ है, अलग अलग ढंग से नाच होता है। अब कोई आके किसी के यहाँ बच्चा होता तो कहते हैं अरे आज तो वो खुशी से नाच उठा, मुहावरा है अब, मतलब बिल्कुल ना कथक किया ना भरतनाट्यम, लेकिन खुशी से नाच उठा, उसका दिल जो था उसने झूमने लगा, लिहाजा वो भी नाच उठा। तो हर तरफ नाच का वो है। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना ख्याल है कि जैसे वो हमारे यहाँ वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसको मुश्किल हुआ लोगों को पढ़ना, लेकिन तुलसीदास ने उसको आसान कर दिया, सबने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये कोई ना कोई तरकीब होनी चाहिए कि ताकि हम बड़े आसानी से स्टूडेंट और शागिर्दों के दिमाग में जाएं, फिर उनके बॉडी में उतरें। तो हम इन सबको पेंटिंग कहते हैं, हमारी सब तस्वीरें हैं, हम बनाते रहते हैं, ठीक अच्छा करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सबसे एक हिस्सा कभी भूलूंगा नहीं कि उन दिनों 25 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये से ज़्यादा तो मिलते नहीं थे, उस वक्त बड़ी वैल्यू थी भाई, आजकल तो हज़ारों की नहीं है। तो बाबू जी ने कहा, अम्मा ने कहा इनको शागिर्द कर लो, अम्मा कहने लगे सुनो अभी जब अपनी कमाई करेगा तब शागिर्द करूँगा, मैं तो नजराना लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहीं 20 मिले, कहीं 15 मिले, कहीं 10 मिले, महफिलों में नाचता था, तो वहाँ से 5 रुपये दिख रहे हैं तो मैं जाके ले आता, तो 10 रुपये ऐसे होता था। तो जब 501 रुपये हो गए तो अम्मा ने एक दिन कहा महाराज अब तो शागिर्द कर लो, अगर मुझे मालूम है तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर हो गया है, बड़ी कमाई कर ली, अच्छा मैं कल कर लूँगा उसको शागिर्द। जी जी। तो वो मैं उनके हाथ से मुझे घंटा बंधा था,
और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा भाग्य होता है, जब गुरु अपने हाथ से गंडा बांधे तो समझिए रास्ते खुल जाते हैं दिमाग के, सोचने के। तो बड़ा बड़ा भारी आशीर्वाद रहा है, लोगों का सबका, बड़ी दुआएं रही हमारे साथ। इस तरह से दौर चलता रहा। मैं उसी ठुमरी का जिक्र कर देता हूँ जो मैंने खुद जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बोल हमारे बाबा के ही थे। माली थी गुंधाए केश प्यारे गुगुबरे, मालती गुंधाए केश प्यारे गुगुबरे, मुख दामिनी सिदमकत चाल मत वारी, चाल मत वारी, चाल मत वारी। बहुत खूब। ये दो लाइन थी। फिर तो उसके बाद बोल बहुत थे। बाबा की ठुमरी थी। रे काहे छेड़ छेड़ मुहे गरबा लगाई, काहे छेड़ छेड़ मुहे गरबा लगाई, काहे नंद को लाल ऐसो डीट बर बस मुरला दिलीने बिंदा श्याम मानत नाही, बिंदा श्याम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई काहे। ऐसे ठुमरी पूरी थी। हाँ, मेरे ख्याल से दिन तो बीत जाता है, शाम भी बीत जाती है, फिर सब चले जाते हैं अपने अपने घर। रह जाता हूँ मैं और कैनवस मेरे सामने होता है, फिर उसके ऊपर मैं रंग भरने लगता हूँ, क्योंकि मैं ठहरता तो हूँ नहीं, चाहे कैनवस में उतारूँ चाहे कैसे उतारूँ, लेकिन वो एक हम बहुत अच्छा मुझे लगता है कि, और शायद बुढ़ापे तक वो भी काम देगा कि आराम से चश्मे के अंदर से भी मैं कुछ तो करूँगा। तो इस तरह से, और पेंटिंग भी मेरे रंग हैं, वो रंग ये हैं जो डांस में रंग उतरते हैं ना चेहरों पे, वो ही मैं उसको बनाने की कोशिश, वही तासुरात, वही हरकत को आप एक पेपर पर, एक कागज पे आप उसको उतारने की कोशिश करते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सुन रहे हैं हमको, हम चाहेंगे उनको नए नए ढंग से सुन, वो हम भी सुनते रहें, दिखाई पड़ता रहूं, यही सबकी दुआएं भी मैं लेता हूं, छोटे से लेके बड़ों तक की। तो हर एक की दुआ हमें चाहिए और हम आपको फिर दिल से दुआएं देंगे।